मुक्ति परिवार की तरफ से नमस्कार, आप सबका स्वागत कि आप छोटे से निमंत्रण पर अपने बच्चों से आज का जो दिन है वो पूरा भारत मदर्स डे के रूप में मनाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मदर्स डे माँ का जो दिन है वो बच्चों में हम ऐसे संस्कार दें कि ये हर रोज मनाया जाए। वो छोटी छोटी चीजें हैं, स्कूल आने से पहले यदि धरती पर कोई ऐसी चीज है भगवान के बाद तो वो माँ है, जो उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है और पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार पर धरती पर माँ एक ऐसी चीज है जिसका व्याख्यान करना, जिसकी महिमा बताना वो शब्दों में नामुमकिन है। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए भगवान ने माँ को भेजा है। भगवान का दूसरा रूप है माँ। तो माँ क्या होती है, माँ को बताना, माँ के बारे में लिखना, माँ के बारे में कविता बोलना, उस सब से माँ की परिभाषा पूरी नहीं हो सकती। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सब ने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी संतान है, उसमें हम ऐसे संस्कार दें कि वो पढ़ाई के साथ साथ अच्छे इंसान भी रहे। बहुत बार आप देखते होंगे कि हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पहले ये चिंता रहती है कि बच्चा हो, फिर ये रहती है वो स्वस्थ हो, फिर ये रहती है वो पढ़ाई करे, और फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी माँ वृद्धाश्रम में बैठी है, बहुत सारे पिताजी वृद्धाश्रम में बैठ गए। वो इसलिए रह गया कहीं ना कहीं कि ये जो बचपन है जो आपकी बुद्धि में है उनके साथ आपका लगाव, आपका व्यवहार, आपका बर्ताव और उनका रख रखाव, उनका ध्यान आप इतना दो कि आपको और हमारे को किसी को जो हमारे जानकार है उनको ये दिन ना देखने पड़े। नहीं तो डॉक्टर बन जाता है बेटा और माँ को गांव में छोड़ के चला जाता है, इंजीनियर बन जाता है माँ के दर्शन करने भी जाता है, बहुत बड़ा वकील बन जाता है, माँ को कहता है कि यही रहे गाँव में, ये तो तेरी बहू है, ये तेरे को रखना नहीं था। वो कहाँ रहती है? हम अपने एक या दो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ कई बार हम बचपन में ही अपने से दूर कहीं हॉस्टल में छोड़ देते हैं। बच्चा हॉस्टल में रहता है ना तो हर रोज माँ के धमकी खाता, ना माँ उसको पिटाई करती, ना माँ उसको प्यार दे पाती। उसके बाद जब वो दसवीं बार भी कर लेता है तो माँ और पिताजी को ये चिंता हो जाती है कि इसको ऐसे शहर में भेजते हैं इसको बहुत बड़ी नौकरी मिलती है। नौकरी मिलना भी जरूरी है, बड़े शहर में भी भेजना जरूरी है, लेकिन माँ जो होती है वो सबसे बड़ा स्कूल माँ है। माँ से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। आप पहले चार चार बच्चे होते थे जब आपके बहन भाई थे, हमारे बहन भाई थे, अब वो जमाना चला गया है जब संभालने की चिंता होती थी, पालने की चिंता होती थी। अब सब जो मॉडर्न जमाना आ गया है, हम सब एक या दो बच्चे हैं, वहीं पे तसल्ली करके अपना बंद कर देते हैं कि एक बच्चा का ही पालन पोषण होगा या दो का होगा। तो उसमें हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा कि बच्चे में बार बार बदलाव आते हैं। छोटी उम्र में ही बच्चा ये कहने लग जाता है कई बार, मम्मी तेरे को क्या पता, मेरी दादी ने कहा तेरे को क्या पता, और वो धीरे धीरे उसको आदत भी बढ़ जाती है। तो हम इस तरह की कोई चीज ना आने दें, क्योंकि बुजुर्ग है घर में, वो कई बार ज्यादा प्यार में अपना जो पोता है उसका उसका पोती होती है तो उसकी ज्यादा सुनवाई कर लेते हैं। आप भी दादू बढ़ोगे तो आप भी ऐसा ही करोगे, लेकिन हम कभी ये ना भूल जाए कि हमारा जो बच्चा है वो ऐसी आदत ना पड़ जाए उसमें कि वो बड़ा होके हमारे से लगाव कम करे। तो सबको यहाँ की जो बात है, हमारे पास 5 घंटे आपका बच्चा रहता है, घर में जो बुजुर्ग है पढ़ा लिखा है, आप भी सारे पढ़े लिखे हो, कई बार हम जल्दी उम्मीद कर लेते हैं कि 20 दिन हो गया अब इसको काउंटिंग करनी चाहिए। आप एक बार मेरी तरफ बात को ध्यान से सुनना, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि माँ उसको पढ़ाना शुरू करे घर में तो 40 मिनट तक लगातार माँ अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, जबकि उसके पास जब आप होमवर्क कराओगे तो कुरकुरे रखने के लिए भी है, लड्डू भी रख सकते हो, बिस्किट भी रख सकते हो,
स्क्रीन भी चला सकते हो, मोबाइल भी साथ रख सकते हो, स्कूल में ये कुछ नहीं होता। जैसे आपसे नाराज होते हैं, किसी तरह से टीचर से भी नाराज होते हैं। जब सुबह आते हैं कई बार इनका मन बिल्कुल नहीं होता, क्या बात है, इनके हाथ में पेंसिल दे दें और ये बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, क्योंकि इनकी उम्र क्या है अभी। यदि हर रोज पेंसिल दे देते हैं, पहले आते ही जैसा मूड होता है इनका, कहीं आते ही खिलौने की तरफ भागते हैं, उनको खिलौने पे ही जाने देते हैं, कहीं आते ही अपना बैग खोल के बैठ जाते हैं। तो आप घर में भी ऐसे ही करना है। मुझको बहुत चिंता हो जाती है कि स्कूल से आया अब ये भी इसको बहुत ज्यादा मैं पढ़ा दूं, हमें जबरदस्ती नहीं करनी। बचपन में जो बात करनी चाहिए, 3 साल के बच्चे ने जैसे रोना है, जैसे शरारत करनी है, जैसे खेलना है, वो उस उम्र में सारी आदत होनी चाहिए। हम ये उम्मीद ना करें कि 3 साल का बच्चा है वो 20 साल के बच्चे की समझ जैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा यदि करता है बच्चा तो वो ज्यादा दिन तक सही नहीं है उसके। यदि वो छोटा है तो छोटे जैसे बात करे, छोटे जैसे ही खेल रहे हो, छोटे जैसे ही हरकत करे। और जितने खेल पुराने हैं, जितने भी पुराने खेल हैं, सब इनको खेलने दिया करो। यदि आप भैंस के फाण में इनको नहीं जाने दोगे तो सर्दियों में जल्दी बीमार होंगे, इनको एलर्जी हो जाएगी, इनको जुकाम हो जाएगा, इनको खांसी हो जाएगी। जब एक एक बच्चा आता है ना तो एक गोदी से नहीं उतारती बात, दादी जी कहती है टोक हो जाएगी इसको, बस गोदी में रखो, बाहर मत निकलने दो। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो बच्चे की पावर होती है गोदी की, वो जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जितने खेल है, आप और हम मिट्टी में पैर दबा के खेल बनाते थे, घर बनाते थे, इनको भी बढ़ाने दो, वो भी एक पढ़ाई है। इनको जितने भी पुराने खेल है शायद उनसे दूर ना रखना इनको। और जब जब ये खुश होते हैं तो इनका होमवर्क करा हुआ जब इनसे लिखवा के ले, कभी भी ये ना करो कि एक बार, क्योंकि आपको जल्दी गुस्सा आता है, आपके दिमाग में ये होती है 3 महीने हो गए अभी तो इसने ऐसे उत्तर नहीं बताया, तो कई बार आप लगा देते हो पीछे, सारे बच्चे हमारे को बता देते। मैं सप्ताह में एक बार आता हूँ या 2 बार आता हूँ, जिससे पूछता हूँ, ज्यादातर कहते हैं पापा नहीं मारते, मम्मी मारते, क्योंकि मम्मी ज्यादा टाइम रखती है, बच्चा तो बता देते हैं, बल्कि मम्मी ज्यादा रखती है उसको, वो गाड़े जाने को कहता है नहीं पापा नहीं मारते, मम्मी लगा देते हैं। उनका ध्यान रखो आप, लगाना भी जरूरी है, टोकना भी जरूरी है। और कुछ आदतें ऐसी होती है बच्चे में, वो टीचर के कहने से दूर हो जाते हैं। आज का जो बुलाने का मकसद है ना, हम तो मैं तो 10 मिनट हूँ, आप 1 घंटे यही रहना, आप भी मदर हो इनकी, ये भी मदर, 5 घंटे यहाँ माँ है ये। जो भी बच्चे में कोई ऐसी आदत है, एक बात दूसरे के आगे भी बताते, दूसरी बात अलग से बता के जाना कि मेरे बच्चे में ये अच्छी आदत है और ये इस तरह की आदत है, ये कहना नहीं पाता है, चीनी ज्यादा खाता है, सहन ज्यादा पीता है, टीवी ज्यादा देखता है, मोबाइल का ज्यादा, जो भी लगे आपको वो इनके कान में बता के जाना कि मैडम आप इसको ये चीज अच्छी कर रहे हैं, जिससे आप इसको यहाँ। अब जैसे मैडम ने कहा कम एयर कौन पत्ती पत्ती कौन एयर, ये कोशिश ये करते हैं कि आप गांव में घूम रहते हो, ये गांव नहीं है, इस रूम में कहीं गांव नहीं है, शहर में जाओगे इसी तरह की मैडम, इसी तरह की चेयर, इसी तरह का ब्लैकबोर्ड, सब ऐसे ही मिलेगा। तो हम ये ना समझे कि अब हम गाँव में है, बच्चे हमारे 20 साल के बाद कहीं पढ़ लिख के जाएंगे, इनका जब मुकाबला होगा उन सब बच्चों से होगा जो कहीं कहीं पढ़ के आ रहे हैं। जैसे भी ये शब्द बोलना यहाँ सिखाते हैं तो आप घर में ही उसको कोऑपरेट करो। ये कई बार कॉपी में लिख के देते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हिच स्कूल डू यू रेट, व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल बस, वो आपने ओरल बुलवाना है, स्पेलिंग याद नहीं करवानी, नहीं तो क्या होगा, काउंटिंग तो सभी सिखा देंगे, गिनती पहाड़े भी सभी सिखा देंगे, और आप कहीं अपनी बहन के घर जाओगे या अपनी माँ के घर जाओगे तो आपका भाई का बच्चा इंग्लिश बोलता मिलेगा, वो थैंक यू प्लीज कहता मिलेगा, वो सॉरी बोलता मिलेगा, तो आप ये सोचोगे कि हमारा स्कूल अच्छा है। यदि यहाँ 10 वर्ड सिखाए जाते हैं 5, तो आपकी टीचर आपको निकल भेजेंगे कि आप इस शब्द को ऐसे बोल रहे हैं। पूरे दिन इन्होंने 5 बार ये बुलवाया, व्हाट इज दिस, दिस इज फैन, तो फैन आप ही बोल सकते हो, आप सारे सब शब्द पंखों का कहोगे तो पंखों को जल्दी पकड़ेगा, फैन को बाहर, फिर आपको ही बुरा लगेगा कि मेरा बेटा पंखों बोलता है। तो यहाँ 5 घंटे या 4 घंटे का जो उसके होता है ना, वो जिस तरह से मार रखती है, बल्कि इनको इतनी तालीम देते हैं आप, इतना सिखाते हैं कि तुम गुस्सा ना करना,
इसी तरह से भी, क्योंकि घर में एक दो तीन चार खिलौने हो सकते हैं, ज्यादा आप कोशिश करेंगे तो आप 5 ले आएंगे, 10 ले आएंगे, यहाँ 20 चीजें हैं कि बच्चा एक बार कोई भी बैलून टूटता है, बच्चा एक बार छोटा खिलौना लेता फेंक देता है तो मैडम बढ़ा देती है, बड़े पे नहीं जाता है फिर छोटे पे जाते हैं, छोटे में जाता है टीवी चला देती है, टीवी पर नहीं जाता है बाहर झूले पर जाते हैं, झूले पर नहीं जाती है बड़े झूले पर जाती है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन कि वो 4 से 5 घंटे यहाँ स्टे करे, यहाँ रुके, यहाँ स्कूल वो अच्छा होता है, जैसे एक दो बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को छोड़ते हैं मेरे से मिलने आए, हालांकि मैं कम आ पाता हूँ, स्कूल वो अच्छा होता है एक तरफ माँ खड़ी हो और एक तरफ टीचर, वो बोलते ही टीचर के पास है, माँ के पास बाद में लाए, टीचर के पास स्कूल में जाते टीचर के पास है। आप एक घंटा आधा घंटा जितना भी कार्यक्रम है उसमें सब शामिल होके जाना, जैसे जैसे यहाँ से कॉपी में लिखकर लेते हैं, आप कई बार ये कहते हैं सीटिंग लाइन लगाना, कई बार कहते हैं पेंटिंग लाइन लगाना, कई बार कहते हैं कलर करना, आप भी बच्चे बढ़ जाओ इनके साथ, इनका जो काम है ना होगा उसको बोझ ना बनने, बल्कि ये कहो ये तेरे को आता है आधा पैक कर देते हो आधा दूर, ताकि अगले दिन खुश होके स्कूल जाए। जो बच्चा गाड़ी के टाइम हर रोज रोता है परेशान है तो कहीं ना कहीं उसकी नोटबुक का काम अधूरा है, तो आप रात को सोने से पहले किसी तरह से उसका काम पूरा करो, ताकि जब उसकी बस आए तो वो खिल खिलाता वहां स्कूल में आए, वो खेले, वो इंजॉय करे, और इस बात की अभी चिंता ना करना कि 2.5-3 साल की उम्र में ही पूरी किताब पढ़ ली, नहीं उस पर नहीं जाना, क्योंकि इसको खेलने दो। जब आपको हम बताएंगे कि 100 दिन होंगे कि इसको 200 वर्ड बोलने आ गए, इस कमरे में इतने वर्ड है, यदि हम बोलें तो सारे मिलके बोलेंगे तो 100 से ज्यादा वर्ड है, उनको स्पेलिंग नहीं सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, ये कर्टेन है, ये बैलून है, ये केक है, ये नाइफ है, ये डोर है, ये विंडो है, ये कारपेट है, ये पिल्लो है, ये एंकी, कितने सारे वर्ड। पहले बोलना सिखाना है, पढ़ना हम बाद में सिखाएंगे, लिखना बाद में आ जाए, लेकिन पहले बच्चा जब धरती पे आता है चलता है तो पहले बा 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 वो बोलना शुरू करता है, तो हमने पहले स्कूल की भाषा को बोलना सिखाना है, फिर धीरे धीरे उसको राइटिंग पर लेके आना है, और जितने भी यहाँ टीचर हैं वो आप बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हो, सारे सबसे मैं पूछता रहता हूँ, वो कहते हैं कि सब अच्छा खाना देते हैं, हर रोज आप एक जैसा खाना दे दोगे बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनकी मन पसंद का भी नहीं, ठीक है ना। यदि खाना फिनिश नहीं करके जाता है तो आप कॉपी में लिख दो, मैम को फोन करो, क्योंकि यहाँ पीछे जब टेबल लगाई जाती है तो 2 से 3 बार खाने का ऑप्शन होता है, आया खोल के देती है, नहीं तो बच्चा कई बार बहुत अच्छा खाना डालते हो ना, तो सुबह आते ही उसका ध्यान बैग में होता है कि मैम मम्मी ने आज ये डाल रखा है, हम भी ऐसा करते हैं ताकि उसको हम पहले ही खत्म करो, जितना अच्छा खाना डालोगे उतना उसको टेस्टी लगेगा, बदल बदल के आप खाना डालो, कई बार बड़े स्कूलों में लिख के देते हैं आज हरी सब्जी डालना, आज पनीर भी डालना, आज इसको ये देना, उसमें सब में आपका ही फायदा है कि आपके बच्चे को चश्मे ना चढ़े, आपके बच्चे की हाइट अच्छी हो, आपके बच्चे का बोध विकास ज्यादा हो, आपका बच्चा दौड़ लगाए तो भी जीते, वो सब जैसा हम खाना देंगे वैसा ही होगा। बहुत सारे बच्चे जिनको हरी सब्जी से बिल्कुल नफरत हो जाती है, और यदि हरी सब्जी नहीं खाएगा तो चश्मे जल्दी चढ़ेंगे, यदि दूध कम पिएगा तो 10 मिनट चढ़ेंगे, जो जो खाने के लिए बहुत सारे लेख आते हैं अखबारों में, जब यहाँ आएंगे तो टीचर्स को भी मैं कहूँगा वो फोटो कॉपी करके आपको देंगे कि किस उम्र में क्या क्या खाना चाहिए और हम खिला क्या रहे हैं। हम क्या करते हैं कई बार कि एक दिन बहुत सारे फ्रूट ले आए तो लगातार 3 दिन फ्रूट खा लिए, फिर 1 महीना बंद कर दिया, उस सबको आप चेक किया, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो फ्रूट और सब्जी से अपने घर में बहुत अच्छी है, यदि गर्मी में लस्सी की आदत पड़ जाए तो लस्सी के गुण शायद शरबत से भी अच्छे, शायद मैंगो सेक से भी अच्छे, दही है, लस्सी है, प्याज है, देसी रोटी है, चने की भाकड़ी है, ये सारे के सारी वो चीजें हैं जो पुराने जमाने में शायद आप में से भी खाई होगी, हमने तो खाई है, जब भैंस की चाट रखते थे ना तो वहां चना डालते थे और उसमें लस्सी की झूठी रोटी भी डाल देते थे घर वालों, फिर वो भाकड़ी खाते थे, पता नहीं उसमें कितने टाइप के गुण चले जाते थे, वो तो आज नहीं करेंगे बच्चे ना आप करोगे, लेकिन घर में ऐसा जरूर करो कि ये धाणी खाना भी सीखे, ये चने की भाकड़ी खाना भी सीखे, ये राबड़ी से भी नफरत ना करें, ये देसी रोटी भी खाएं, ताकि ये पढ़ाई के साथ साथ मजबूत बढ़े,
ताकतवर बनेगा, ये बीमार ना हो। यदि सारी चीज बच्चा टाइम पे खाता रहेगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और यदि आपने लिमिटेड फूड रख लिया तो डॉक्टर जाते ही रहेगा, ये तो कुकरे बहुत खाता है, इसके सोजस आ गई है, इसके इससे ये हो गया, इसकी आंख में दिक्कत आ गई, वो सब खाने पीने से आती है। वो सारे बच्चे देखना खाना खाने के टाइम होते हैं, जब आप भूख देते हो तो नमकीन की बात करते हैं, कुकरे की बात करते हैं, मैगी की बात करते हैं। आप ये ना देखो, ये जरूर देखो कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हैबिचुअल हो जाए कि मैगी के बिना कुछ खाए ही ना। तो मैगी में कुछ भी नहीं है, यदि कोई चीज बाजार में आते आते हमें हमारे को 10 रुपए में मिल रही है, उसकी पैकेट का भी पैसा है, उसके एड का भी पैसा है, उसके सेल्समैन ने भी ले लिया है, बीच के दुकानदार ने भी ले लिया है, और फिर वो हमारे को 10 रुपए में या 2 रुपए में मिल रही है कोई चीज, उसके अंदर क्या होगा। 1 रुपए में यदि हमारे को कोई खाने की चीज मिल रही है और उसने पहले सबसे पहले उसने फैक्ट्री लगाई वो, उसके बाद उसने एड भी ली वो, उसके बाद उसका बीच का आदमी दिखाया वो, उसके बाद पैकिंग वाला लेके गया वो, उसके बाद एजेंसी वाले ने पैसा खाया, उसके बाद दुकानदार ने खाया, फिर हमारे पास आया, तो उसमें होगा क्या? ऐसी चीज होगी जो हमारे सेहत के लिए खराब होगी। जितने भी जो घर की चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना, ताकि जो हमारा बचपन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो खाने की वजह से कहीं पीछे ना रहे। पहले कहते थे गांव के आदमी बहुत तगड़े हैं, लड़कियों की हाइट बहुत कम हो गई है गांव में, लड़कों की भी कम हो गई है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो खेल थे, कहीं सीरियल डंडा खेलना, कहीं दौड़ दगाड़े जाना, वो सारे बंद हो गए। ऐसे खेल रहे गए आपके मोबाइल पे खेलते रहते, मोबाइल पे यदि बच्चा खेलेगा तो आंखें कमजोर होंगी, ना उसकी हाइट बढ़ेगी, ना उसको भूख लगेगी, दो चीजें होंगी, एक तो गर्दन का दर्द, आप करके देख लो 10 दिन ज्यादा मोबाइल का, आपके कमर पे जहां दर्द हो जाएगा गर्दन। बच्चा खेलेगा तो उसकी आंख का डॉक्टर के पास ले जाना, क्योंकि उसकी आंख अभी कच्ची है, मोबाइल की जो लाइट है, टीवी ज्यादा देखेगा, उसकी रोशनी और उसकी आंख का मुकाबला नहीं है। सारी चीजें देखो कि टीवी जब देख रहा है तो कितने नजदीक से देख रहा है, क्यों अभी नहीं बताएगा, ये 6-7 साल का हो जाएगा जब कहेगा मम्मी पानी आता है पड़ता हूँ, डॉक्टर के नाम का चश्मा लगा, जबकि वो शुरू अब हो रहा है। जब टीवी देखते हो ना तो कम से कम 10 फुट दूर हो, 3-15 फुट, ये ना हो कि जब आप तो काम कर रहे हो और टीवी को 2 फुट दूर से देख रहे हो, तो अपने तो बच्चा है उसकी आंख पर गलत असर चला जाएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ इन सब बातों का ध्यान रखो, और बुरी आदत ना आए, उस बच्चे में गुस्सा ना आए, और बच्चे में गुस्सा आता है वो भी आप चेक करो, वो क्यों आ रहा है, किस वजह से। और माँ से बढ़िया संसार में कुछ नहीं है। एक बार फिर से सारे स्टाफ की तरफ से आपका आज का जो दिन है वो माँ के लिए है। कल आप किसी माता दिवस को कल बिरोड वाले स्कूल में मना रहे, थोड़ा बड़े लेवल पे, संडे के दिन ताकि ज्यादा माँ आ जाए वहाँ, और दो दिन क्लास को बारी भी है, उसको कल वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं। जब भी अगला कोई फंक्शन हो तो आप भी आओ और आपकी सहेली भी साथ आए, ताकि यहाँ बैठने की और व्यवस्था करो, ठीक है ना। और एक बार फिर से आपको बधाई, सब अच्छा कर रहे हो, और भाई आप बड़ों की भी इज्जत करना, क्योंकि आपको भी बड़ा होना है, ठीक है ना। घर में जो बुजुर्ग है ना उनकी खूब सेवा किया करो, क्योंकि ये दिन बुजुर्ग आपको भी होते हैं। और बहुत सारे उदाहरण गाँव में है, जिसने अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करी तो आप बुजुर्ग कहते हैं, भाई इसने भी नहीं करी तो इसकी क्यों, सारा सब हिसाब किताब यही है। एक बार फिर से सबको बधाई, अब मैडम आपके साथ रहेगी, बिना जाएंगे बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, जब तक मैडम नहीं कहेंगी जब तक नहीं जाएंगे। बच्चों को खेलने भी दो, खिलौने भी तोड़ने दो, इनको टोकना नहीं आज, इनमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आज का पूरा दिन ये है कि माँ पूरा प्यार दिखाए, गुस्सा नहीं करना है। नमस्कार सर, बहुत जय हिंद।